मेरी किचन प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट लेमन पोहा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, झटपट बन जाता है और हमारा टाइम बच जाता है। इस रेसिपी को हम नाश्ते के लिए बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नाश्ता। इसलिए हम लोग पहले पोहे को ले लेते हैं। ये करीब 200 ग्राम का पोहे हैं, तो उसको हम पहले, ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले का पोहे हैं, हम मीडियम साइज़ का पोहे लिए हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो थोड़ा सा पतले वाले भी पोहे को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से उसको साफ़ करके रखे हैं और इसको हम अभी धो लेंगे। धोने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोहे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को पानी डाल के यहाँ पे पोहे को अच्छे से धोना है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से धो लिए। पोहे धोने के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही यूज करना पड़ता है, पोहे ज़्यादा धोने से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पोहे को यहाँ पे एक दो बार धो लेंगे तो पोहे हमारा अच्छे से धुल जाएगा और पोहे बनाना इतना मुश्किल नहीं, झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हमको कोई ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं पानी को स्ट्रेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम अच्छे से पोहे को धो लिए हैं। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो पोहा हमारा खुला खुला रहेगा, ऐसे चिपकेगा नहीं आपस में, इसलिए थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें। तो उसको अच्छे से मिला देंगे, एक चम्मच की सहायता से उसको अच्छे से मिला देते हैं। यह हम लोग अच्छे से मिला दिए हैं। अब उसको 4-5 मिनट के लिए बस ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एक ढक्कन की सहायता से हम उसको ढक देते हैं और 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट के लिए उसको मैंने छोड़ देते हैं ऐसे ही। पोहे को मिनट के होने के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका फ्राई बनाने के लिए, पोहे का नाश्ता बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पैन बिठा दी हूँ और ऑन कर दी हूँ स्टोव को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा फ्लेम नहीं, थोड़ा सा लो फ्लेम ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे करीब 3-4 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। तीन चार टेबल स्पून तेल ले लिए और अब क्या करेंगे, राई को डाल देंगे। ये हमारा पैन गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म होने हैं। यह हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सरसों रखी थी, आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सरसों को डाल दी हूँ और सरसों को थोड़ा सा होने देते हैं। जब उसके अंदर से साउंड कम होने लगेगा तब हम लोग ये हरी मिर्च यहाँ पे मैं काट के रखी हूँ उसको डाल देंगे। ये देखिए, सरसों जब तक ये तड़कने लगता है तो बहुत छिट्टा रहता है। आप चाहिए तो ढक्कन को ऐसे लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सरसों हो गया है। हम लोग अभी काट के रखे थे दो हरी मिर्च को, बारीक काटे रखे हैं, उसको मिला देंगे। और जो तीखा नहीं खाते हैं तो ये हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, या आप बच्चे के लिए बना रहे हो, बच्चे को मिर्ची पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और जो तीखा खाते हैं ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे दो हरी मिर्च ली हूँ, आप चाहे तो और एक हरी मिर्च को बारीक काट के डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
ये मूंगफली थोड़ी सी ली हूँ और दो चार काजू है उसको ले ली हूँ, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे इसमें ही, उसके में ही रोस्ट कर देंगे। स्लो आंच में करना है, धीमी आंच कर देना है और धीमी आंच में थोड़ा सा रोस्ट कर देना है काजू और ये जो मूंगफली है उसको रोस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। और पोहे के नाश्ते में ना मूंगफली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे हमारा हो गया है मूंगफली। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च सॉरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और हल्का सा यहाँ पे मैं गरम मसाला ली हूँ, गरम मसाला को डाल दें, करीब आधा टेबल स्पून होगा, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, तो ये बस कलर के लिए ही और कुछ नहीं, बस तो मिला लें इसको अच्छे से। ये हमारा ज़्यादा मसाले को रोस्ट करना नहीं है, बस थोड़ा सा मिला देना है। और उसके बाद हम लोग जो रखे थे पोहा मैरिनेट करने के लिए उसका भी हो गया है, हम लोग उसको डाल देते हैं। यहाँ पे मैं सारी पोहे को डाल दी हूँ यहाँ पे, और इसके मिला देंगे अच्छे से। तो हमारा जो मसाला है वो नहीं तो नीचे से जल जाएगा। यहाँ पे तो हमारा फ्लेम लो ही है, फिर भी हम लोग इसको मिला देते हैं। ओके, ये हम लोग अच्छे से मिला दिए। तो हम अच्छे से यहाँ पे मिला दिए, अब क्या करेंगे, हम एक दो नींबू लिए हूँ इधर यहाँ पे, तो नींबू आज हम लेमन पोहा बनाने वाले हैं, इसलिए लेमन का तो यूज़ ज़्यादा ही होना है। तो यहाँ पे दो नींबू ली हूँ, दो नींबू को ऐसे निचोड़ देंगे। तो लेमन पोहा में लेमन पोहा एक तो कलर ही आता है और खट्टा खट्टा मिलने लगता है, मुंह में अच्छा लगता है, झटपट भी बन के तैयार होते हैं, ना हम लोग को टमाटर काटना पड़ता है, ना आमचून का पाउडर डालना पड़ेगा, ना कुछ, बस लेमन डाल दो और हमारा नाश्ता बन के तैयार है, झटपट सबको पसंद आने वाला। बस जितना निकले एक के हम उसमें हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे डाल दिए मैं, मिला ले उसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ, मैं मिला दी अच्छे से। यह हमारा पोहे का नाश्ता तैयार हो चुका है लगभग, बस उसको अच्छे से मिला देना है और थोड़ा सा हल्का सा, अभी तो यहाँ पे नमक हम लोग पहले से डाले रखे थे पोहे के अंदर, तो हमको फिर नमक नहीं डालना पड़ेगा। और जिसको थोड़ा सा ज़्यादा खाने की आदत है नमक की, या अपनी टेस्ट के हिसाब से, वो थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। ये हमारा बन के तैयार है और आखिर में हम ये देखिए हमारा पोहा कितना अच्छा दिख रहा है। और ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता को उसको ऊपर डाल देंगे और उसको भी थोड़ा सा मिला देते हैं, क्योंकि वो धनिया पत्ता के जो फ्लेवर है वो पोहे के अंदर चला जाए, इसलिए हम लोग उसको भी मिला देते हैं।
ये देखिए मिला दी। तो हमारा ये बन के तैयार है, हम लोग इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए मैं प्लेट में निकाल दी हूँ। ये पोहा जितना टेस्टी है उतना ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। आप एक बार ज़रूर बनाएगा और अपना अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि। ये देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये धनिया पत्ती को बचा हुआ था उसको डाल देते हैं। तो ये मेरा लेमन का पोहा हमारा बन के तैयार हो चुका है। और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।